मृत्यु पर रुका, अराजकता की भेंट चढ़ा। हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता मौजूद हैं। जो किया गया गलत किया गया। इंडिपेंडेंट संस्था में बार काउंसिल के सदस्यों को किस आधार पर, क्या बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने? हमारे बीच राम सिंह गौर जी मौजूद हैं, जो कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हैं। यह बहुत ही शर्मनाक इससे है, जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव जो एक अधिवक्ता की मृत्यु पर रुका, अराजकता की भेंट चढ़ा। हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता मौजूद हैं। जो किया गया गलत किया गया। कि पवन कुमार जी के ऊपर एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई बगैर कोई साक्षी देखे हुए, सिर्फ एक व्यक्ति का ही निलंबन? दो सदस्य जिन पर आरोप लगाए गए थे, हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता काली शंकर मिश्रा जी हैं, जिन्होंने पूर्व में ही उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहता हूं कि कानपुर बार एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उस इंडिपेंडेंट संस्था में बार काउंसिल के सदस्यों को किस आधार पर, क्या बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने बुलाया उनको? बड़ा निश्चित ये था कि जिस तरीके से पवन तिवारी ने एक गलत काम के विरोध करने के लिए कि कैमरे लगने चाहिए, एलईडी लगने चाहिए, स्क्रीन लगनी चाहिए, इस बार एसोसिएशन में के चुनाव में जो पहले से तथाकथित लोग बार काउंसिल के सदस्यों को लेकर आए थे, वो लोग गड़बड़ी कराना चाहते थे और इसी वजह से नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए एक सीधे साधे अधिवक्ता को जो बार एसोसिएशन की गरिमा को सही तरीके से चलाने के लिए पूरे प्रैक्टिस में उद्यत रहा है और हम सब लोग उनके साथ हैं, निश्चित रूप से ये बार काउंसिल ने गलत कार्य किया है, इसकी मति पर भर्सना करता हूँ और मांग करता हूँ प्रशासन से, आनेबुल हाई कोर्ट से और यहाँ के प्रशासन से कि इसके बीच में पड़े और यहाँ की जो बार एसोसिएशन की इज्जत है और अधिवक्ताओं का जो सम्मान है उसको बचाए। पवन तिवारी जी का बहुत ही सम्मान है, निश्चित तौर पे सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और अगर निष्पक्षता से चुनाव हो जाता तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय महामंत्री डॉक्टर पवन कुमार कुछ यहाँ पे अराजक तत्वों में जिनका गठबंधन है वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई सज्जन और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेरा ये कहना है, निवेदन है कि वो इस पर संज्ञान ले और जो जिन लोगों ने जो यहाँ पर जिला बुलाए हुए हैं या बार काउंसिल के सदस्य आए थे उनका निलंबन किया जाए, ये उचित होगा। जो हुआ है गलत हुआ है।